से इंसान पाता है तमीज, इल्म से है आदमी हर दिल अजीज, और मुझसे वाकिफ है जमाना, इल्म मेरा नाम है, बख्श देना ताजो किश्वर। थोड़ा के इस मदरसे में इकट्ठा हुए हैं, आज तो यहाँ हजारों की तादाद में लोग हैं, लेकिन आज तो हम हजारों की तादाद में इन हाफिज़े कुरान को अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। एक दिन वो भी आएगा जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, मैदान महशर कायम होगा, अल्लाह तबारक व ताला अपनी कुर्सी पर जलवा अफरोज होंगे। उस दिन हजरत आदम से लेकर कयामत तक आने वाले आखिरी इंसान सब जमा होंगे, उस दिन भी इन हाफिज कुरान को इसी इज्जत के साथ देखा जाएगा, इससे कहीं ज्यादा इज्जत के साथ देखा जाएगा। मैं उन सात मासूम बच्चों से कि जिन्होंने अपने सीने में अल्लाह के कलाम को समोया है, हिफ्ज कुरान की तकमील की है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन बच्चों को, इनके असातिजा को, इनके वालिदैन को, इनके रिश्तेदार को, मदरसे की कमेटी को और पूरी बस्ती को। आ जाओ बस्ती वालों, देख लो उन सात दुल्हों को जिनकी वजह से ये महफिल सजाई गई है। बड़ा खुशनसीब है वो इंसान जो आज मदरसे के अंदर आकर अपनी निगाहों से इन मुबारक बच्चों की हौसला अफजाई करे, इनकी जियारत करे और आकर के इनको अपनी निगाहों से देखे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अजीजम हाफिज मोहम्मद शादाब बिन हाफिज मोहम्मद शाहमद साहब की थोड़ा के रहने वाले हैं, ये बच्चा स्टेज पर आ जाए। हाफिज मोहम्मद मुराद बिन मोहम्मद मेराज मरहूम की थोड़ा, हाफिज मोहम्मद कैफ बिन मोहम्मद शकील साहब की थोड़ा, हाफिज मोहम्मद सुहेल बिन मुशब्बर ठेकेदार की थोड़ा, हाफिज मोहम्मद एहतशाम बिन मोहम्मद अंसार काजी वाला, हाफिज मोहम्मद सानिब बिन मोहम्मद हामिद मुबारकपुर खोशा, हाफिज मोहम्मद गुलफाम बिन दिलशाद अहमद साहब मुबारकपुर खोशा, मुबारकपुर खोशा। ये सब बच्चे आ जाएं और स्टेज पर जलवा अफरोज हो जाएं, और इनके रिश्तेदार जो इन बच्चों को देखने के लिए आए हैं, इनकी हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं, वो सारे के सारे रिश्तेदार, सारे के माँ बाप सब स्टेज के करीब जो पिंडाल है यहाँ तशरीफ ले आए। जो हजरात वहाँ खड़े हैं, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, अल्लाह के वास्ते बैठ जाएं। जो मदरसे की कमेटी है वो भी मदरसे में आ जाएं। जो मदरसे से मोहब्बत करने वाले लोग हैं सभी मदरसे में आ जाए। इस घड़ी का मुझे और आपको बेसब्री से इंतजार था, आप हजरात आगे आ जाए। जो हजरात खड़े हैं अल्लाह के वास्ते बैठ जाएं। इन बच्चों की दस्तार होगी। कबल इसके मैं चाहता हूं कि अपने उस अजीम मेहमान को आपके सामने पेश कर दूं कि जिनके लिए हम और आप सरापा मुंतजिर थे, जिनकी आमद के लिए हमने पलके और आंखें ही नहीं बल्कि दिल का फर्श बिछाए रखा था, जिनका बयान आलिमाना और नसीहतनामा निहायत कारामद होता है। आज की हमारी इस बज़्म के मेहमान खुसूसी मैदान खिताबत के अजीम शह सवार, जो अल्हम्दुलिल्लाह जब खिताब करते हैं तो ऐवान बातिल में जलजला पैदा हो जाता है। मेरी मुराद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहिब मेरठी, इमाम खतीब जामा मस्जिद समर गार्डन मेरठ, आप तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से हम सामईन को मुस्तफीज फरमा दें। हजरत के खिताब के बाद बच्चों की दस्तार होगी। जैसे ही बच्चों की दस्तार होगी, जनाब दिल खैराबादी अपना कलाम पढ़ेंगे और उसके बाद हमारे और भी जो मुकर्रर हजरात हैं इंशाअल्लाह उनकी भी गुफ्तगू होगी, फिर हमारे सदर मोहतरम की दुआ पर ये बज़्म इख्तिताम को पहुँच जाएगी। इन बच्चों के असातिजा को मैं अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूं, हजरत मौलाना इकरार साहब और मदरसे के जितने असातिजा हैं उन सब ने अपनी मेहनत से इन सात बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किया है और गांव वालों को ये पैगाम दिया है, ए गांव वालों, हमने तुम्हें अपनी मेहनत से सात हाफिज़े कुरान दिए हैं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम मदरसे का तामन करो। हमारे सामने हमारे मेहमान खुसूसी मेरठ से तशरीफ लाए हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहिब कासमी, दामत बरकातुह। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हजरत, इन अल्हम्दुलिल्लाह
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وقال تعالى لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لائق تعظيم حرمت اس لیے قرآن ہے خالق ارض و سما کا آخری فرمان ہے اس صحیفے کی صحیفوں میں الگ ہی شان ہے اس کے ایک ایک لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے باوقار علماء کرام معزز سامعین عزام عزیز دینی بھائیوں بزرگوں نوجوانوں اور معصوم بچوں اپنے گھروں میں یا پس پردہ بیٹھی ہوئی میری اسلامی مائیں اور بہنوں اس وقت میں آپ حضرات جس خوشی کے اظہار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ العظیم اسی موضوع پر اپنے وقت متعینہ میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو سن کر کے عمل کرنے کی توفیق عنایت کر دے آمین میرے بھائی اس وقت میں بڑے بڑے اکابرین امت یہاں تشریف رکھتے ہیں جو علم و عرفان کے مالک ہیں ان سب کے درمیان سے مجھ جیسے ناقص العلم والعمل کو آپ کے درمیان میں لایا گیا یقیناً زبان لڑکھڑا سکتی ہے
लेकिन आप हजरात दुआ करें कि अल्लाह सही कहने की और सुनकर के अमल की तौफीक इनायत फरमाए। इस वक्त में मैं और आप किस खुशी के इजहार के लिए बैठे हैं, वो खुशी कोई और नहीं, वो अल्लाह के कलाम की तकमील की खुशी है कि आज इन होनहारों ने, इन मासूम कलियों ने अपने सीनों के अंदर अल्लाह के कुरान को बसाया, अल्लाह के कलाम को अपने सीने के अंदर महफूज किया, जिसकी वजह से ये आज हाफिज़े कुरान हो गए। आज अल्लाह ने एक अपना मुबारक नाम हाफिज इन सब तमाम तलबा को दे दिया। ये आपकी नस्लों से है, ये आपकी औलादों से है और अल्लाह ने आज अपनी कुरान की हिफाजत का जरिया इन मासूम तलबा को मौलाना इकरार की मेहनत से या इंतजार भाई की मेहनत से या इन तमाम उलमा की दुआओं से और आप तमाम हजरात के तआवुन से अल्लाह ने इनको मकबूल फरमाया। दुआ करेंगे अल्लाह इन तलबा को हाफिज के साथ साथ आलिम दीन भी बना देना, आमीन। मैं ये गुफ्तगू क्यों करने चला, अल्लाह इन्हें आलिम दीन क्यों बनाना, ये दुआ मैं और आप क्यों करने लगे, इस दुआ की वजह ये है कि मेरी और आपकी जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। ये हाफिज़े कुरान है, सात नस्लों को या इसी तरीके से 10 इंसानों को ये जन्नत के अंदर लेकर के जाएंगे। मैंने तो अपने उलमा से अबू दाऊद की रिवायत के जरिए से सुना है, ये 10 इंसान नहीं होंगे बल्कि वो 10 खानदान होंगे जिनको ये हाफिज़े कुरान जन्नत के अंदर लेकर के जाएगा। और माँ बाप तुम्हें तो खुशियां मनानी चाहिए और खानदान वालों तुम्हें तो खुशियां मनानी चाहिए और अपने खजानों के दहाने इन मदरसे वालों को खोल देने चाहिए, क्योंकि ये हाफिज़े कुरान 10 इंसानों को कम अज कम और 10 खानदानों को ज्यादा से ज्यादा आलिम होने की दुआ क्यों दी। अरे अगर ये आलिम दीन हो गए और अल्लाह ने इनको कबूल कर लिया और ये उलमा की जमात में पहुंच गए तो कल कयामत का मैदान हो और मेरा और आपका अल्लाह दुनिया के लोगों को जन्नत के फैसले सुना रहा होगा। लेकिन ऐसे वक्त में मैंने अपने उलमा से सुना है, अल्लाह इन उलमा की जमात को रोक लेगा। ऐ उलमा की जमात जरा यहीं पर ठहर जाओ, जन्नत वालों को जन्नत में जाने दो, अल्लाह हमें जन्नत के दरवाजों पर क्यों रोक लिया गया। ऐ उलमा की जमात अकेले कहां जा रहे हो, जरा पीछे मुड़ करके देखो। ऐ उलमा की जमात जरा पीछे तो मुड़ो, तुमसे मोहब्बत करने वाले, तुम्हें हदीये देने वाले, तुम्हें तोहफे देने वाले, अरे तुम्हारी तरफ से लोगों से बहस करने वाले, तुम्हें तआवुन देने वाले, हाँ तुम्हारे मदरसों को चमकाने वाले और तुमसे मोहब्बत की नजरों से और मोहब्बत को दिलों में लेकर तुमसे हाथ मिलाने वाले तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं, हाँ तुम्हारे इंतजार में है। उलमा की जमात कहाँ जा रहे हो, ए उलमा तुम इशारे करो, हम तुम्हारे इशारों पर इन्हें जन्नत अता करेंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए दुआ दी गई कि अल्लाह इनको नेक साले आलिम भी बना देना। दुआ इसलिए दी गई कि लालच है हमारी जन्नत का रास्ता भी आसान हो जाए। इसलिए मुअज्जज़ सामईन इज़ाम, आज इन तलबा ने अपने सीनों के अंदर अल्लाह के इस कलाम को महफूज किया। मैंने एक जुमला और बयान किया, मैंने एक जुमला अपनी ज़बान से निकाला कि अल्लाह ने इनको कुरान की हिफाजत का जरिया बना दिया। ये जुमला मैंने क्यों निकाला, मैंने अपने बड़े बड़े उलमा को सुनते हुए, अपने बड़े बड़े उलमा को कहते हुए देखा है, अल्लाह ने एक दावा किया, इन्ना नहनु हमने इस कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये मेरे और आपके अल्लाह का दावा है और कयामत तक ये दावा इंशा अल्लाहुल अजीम इसी तरह कायम रहेगा। और इस कुरान करीम के अंदर चाहे कोई भी आ जाए, कितनी बड़ी ताकत क्यों ना आ जाए, कोई मनहूस आकर के ये क्यों ना कहने लगे कि इसकी 26 आयतें गलत हैं, हाँ उससे कह दो अल्लाह
अल्लाह तेरा ईमान के अंदर कोई दर्जा नहीं रखेगा, तुम्हें ईमान से इस दुनिया में खारिज किया जाएगा। अरे तू कुरान में कमी निकालने चला था, अल्लाह ने तुझे ईमान से खारिज कर दिया, अल्लाह ने तुझे अपने नेक बंदों की फहरिस्त से निकाल दिया, तो ईमान की और कुरान की आयतों को कम करने चला था। लिहाजा मेरे भाई ये गुफ्तगू क्यों करने चला? अल्लाह ने इन तलबा को कुरान करीम की हिफाजत का जरिया बनाया। आप अपने उलमा से सुनते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हमने इस कुरान को उतारा, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह ये दावा कर चुका है और इसके मुताबिक इस कुरान पर मेहनत भी हो रही है, लेकिन अल्लाह ने दावे के साथ साथ इन उलमा को इसका जरिया बनाया है, इन हुफ्फाज को इसका जरिया बनाया है। मैंने अपने उलमा को मिसाल देते हुए सुना कि जिस तरीके से मुल्क का बादशाह ये ऐलान कर दे और लोगों मुझे कामयाब कर दो, मैं इस मुल्क की हिफाजत करूंगा, लेकिन वो सरहदों पर नहीं जाता, वो अपने कमरे के अंदर रहता है। मुल्क की हिफाजत कौन करता है? एक खास फोर्स होती है, उस फोर्स के अलग कपड़े होते हैं, उस फोर्स के अलग खाने होते हैं। हाँ, अगर बादशाह को मालूम हो जाए कि मेरी फोर्स को किसी ने गलत नजरों से देखा है तो वो फोर्स के जरिए से अपना बदला लेता है। इसी तरह मेरे अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का वादा किया, लेकिन जरिया इन उलमा को बनाया है। बेशक बेशक, जरिया किन को बनाया? इन उलमा को, इन हुफ्फाज को। आज ये मासूम तलबा उसी जमात के अंदर शामिल हो गए कि अल्लाह ने इनको अपने कलाम की हिफाजत की जिम्मेदारी दे दी है और उसका जरिया बनाया है। इसलिए मेरे भाई मैं आपसे गुफ्तगू करने चला अपने उलमा की मौजूदगी में। हाँ, अपने अपनी नस्लों के अंदर, अपनी औलादों के अंदर मैं और आप हाफिज कुरान पैदा करें, ताकि कल कयामत के मैदानों में मैं और आप कुरान की हिफाजत का जरिया और कुरान की हिफाजत करने वालों में शामिल हो जाएं। जब कल अल्लाह कयामत के मैदान में आवाज लगाएं, हाँ कहीं शहीदों के माँ बाप जाएंगे, कहीं बुजुर्गों के माँ बाप जाएंगे, कहीं अल्लाह के वलियों के माँ बाप जाएंगे, उस वक्त में ये आवाज भी आएगी, कहाँ है इन उलमा के माँ बाप? अरे मैदान में क्यों नहीं आते? मुश्को अंबर के टीलों पर क्यों नहीं चढ़ते? कहाँ है इन हुफ्फाज कराम के माँ बाप? आओ, मुश्को अंबर के टीले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ये दस्त रहमत से सजा हुआ ताज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको वो दिन दिखलाया कि साथ हाफिज़े कुरान मुझे और आपको अता किए हैं। दुआ करें अल्लाह साथ नहीं इस मदरसे को दीन दोनी रात चौगनी तरक्की अता करे। हाँ, इसको गैब से तावन अता करे। अल्लाह यहाँ से साथ नहीं बल्कि 700 हाफिज़े कुरान हर साल पैदा कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि मुझे और आपको इसके लिए आगे बढ़ना होगा। बेशक बेशक, ये ना समझें कि हमारा ये मदरसा एक गुमनाम गांव के अंदर है। मालूम करो अपने उलमा से, कोई नहीं जानता था देवबंद की सरजमीन को, किसी के इल्म में नहीं थी देवबंद क्या चीज है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक दीवाना जिसको मैं और आप मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल कर देना। जब अंग्रेज ने चारों तरफ से घेरा है और शूट आउट आउट के ऑर्डर हो चुके हैं, यहाँ तक के देखते ही उनको शूट करने के ऑर्डर आ गए हैं, ऐसे वक्त में अल्लाह का दीवाना हाँ हुकूमत की नजरों से निकला है और निकल करके एक गुमनाम सरजमीन पर पहुंचा है और वहां जाकर अंग्रेज के खिलाफ एक अड्डा कायम किया है। हाँ, वो अड्डा किसे कहते हैं? वो दारुल देवबंद की सरजमीन है। सिर्फ एक अनार का दरख्त है और 100-125 गज की जमीन है जहां पर ही अल्लाह का दीवाना अपने बुजुर्गों से तामीर कराता है और एक ईंट रखाता है, और वो ईंट अल्लाह ने इतनी मकबूल की है, वो इतना बड़ा दरसा नहीं है। मैंने अपने उलमा से सुना है, अपने उलमा को अपने कानों से हाँ सुनते हुए ये मैंने देखा है। अरे पढ़ाने वाला सिर्फ एक है, पढ़ने वाला भी सिर्फ एक है। पढ़ाने वाला मुल्ला महमूद है और पढ़ने वाले शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी हैं। अल्लाह ने इस मदरसे को इतना कबूल किया कि आज पूरी दुनिया अजमत के बाजू बिछाने के लिए तैयार है। उलमाए देवबंद, मदारिस इस्लामिया। इसलिए मेरे भाई
मैं और आप अपने इस मदरसे को ये ना समझे, ये गुमनाम गांव में है, ये छोटा सा मदरसा है ना मेरे भाई, अभी तो दारुलूम से ये काफी बड़ा है। जब दारुलूम की इब्तिदा को देखोगे सिर्फ एक एक दरख्त का साया है, जहां पर ये अल्लाह के दीवाने बैठे हैं, अल्लाह ने ये बैठना कितना कबूल फरमाया कि आज पूरी दुनिया और फिरका बातिल अगर किसी सरजमीन से घबराते हैं, अगर किसी तहरीक से घबराते हैं और उसको नए फिरके का नाम देते हैं, वो कोई और नहीं है, ये वही मदरसे की सरजमीन है जिसको मैं और आप दारुलूम के नाम से जानते हैं। याद रखना, क्यों ना घबराएं, अगर इस दीन के मुकाबले के लिए ईसाई मशीनरी काम करती है तो यही मदरसा सर से कफन बांध करके खड़ा हो गया। अगर यहूदी नए नए तरीकों से मैदानों के अंदर आया है तो यही मदरसा सर से कफन बांध करके खड़ा हो गया है। अगर शियत अपने चेहरों को बदल करके आई है तो इसी मदरसे ने सर से कफन बांधा है। अगर इसी तरीके से नबी की शान के लिए और इसी तरीके से नए फिरकों ने जन्म लिया है, अगर मैदान में खड़े होकर किसी ने मुकाबला किया है तो यही एक छोटा सा मदरसा जिसको मैं अभी दारुलूम के नाम से आपको याद दिला रहा हूं, यहां तक के कयामत तक के लिए ये मदरसा कसम खा चुका है और कयामत तक के लिए ये अपने सर से कफन बांध चुका है कि अगर कोई इस दीन के अंदर ज्यादती करेगा बख्शा नहीं जाएगा, कमी करेगा बख्शा नहीं जाएगा, अपना होगा नहीं बख्शा जाएगा, गैर होगा तब भी नहीं बख्शा जाएगा। यहां तक के आज पूरी दुनिया की नजरों में अगर कोई मदरसा चुभ रहा है तो वो कोई और नहीं दारुलूम देवबंद है। उलमाए देवबंद, दारुलूम देवबंद। और यही मुश्किलें नहीं, अगर वक्त होता तो शायद गुफ्तगू को और आगे बढ़ा देता। आप क्या समझते हैं कि दारुलूम ने सिर्फ जलसे जुलूसों के अंदर तकरीरें की हैं? आप क्या समझते हैं कि सिर्फ ये हाँ तलबा को पढ़ने पढ़ाने का काम दिया है? ना मेरे भाई, अगर दुश्मन ताकतें जिस शक्ल में आई हैं और जिस मैदान के अंदर आई हैं, उसी मैदान के अंदर दारुलूम के सिपाही पहुंचे हैं और जिस बात को वो जिस तरीके से समझना चाहता है उस बात को उस तरीके से उसको समझाया। आओ तुम्हें बतलाता चलो, अगर ये अल्लाह के दीवाने अपने दुश्मन को देखते हैं कि शामली के मैदान के अंदर आया तो यही अल्लाह के नेक बंदे इसी दारुलूम के सिपाही अपने सर से कफन बांधते हैं और हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की को अपना सरपरस और अमीरुल मोमिनीन तैयार करते हैं और जाकर के अपनी मसनदों को छोड़कर उस दुश्मन का मुकाबला करते हैं। अगर अंबाले की सरजमीन पर पहुंचा है तो मौलाना जाफर थानीसी जैसे अल्लाह के नेक बंदे उनके मुकाबलों को पहुंचे हैं। आओ तुम्हें बतलाता चलो, अरे अगर दुश्मन हाँ हथियार सजा करके आया तो ये अल्लाह के नेक बंदे मौलाना रशीद अहमद गंगोही जैसे, हाफिज सामिन शहीद रहमतुल्ला अलैह जैसे, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्ला अलैह जैसे अपने सरों से कफन बांध गए और अपनी मसनदों को छोड़ दिया। शेखुल हदीस हैं लेकिन भूल गए, अरे वक्त के बुजुर्ग हैं लेकिन सर से अपनी दस्तारों को कफन बनाया और दुश्मन के मुकाबले के लिए आए। जाओ मालूम करो, मालूम करो शामली की सरजमीन से बतलाएगी हाँ मौलाना कासिम नानोतवी के सर पर गोली लगी है, वो बतलाएगी यहाँ हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद होकर के गए हैं, हाँ वो बतलाएगी कि खानकाह के बुजुर्ग हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की खुद बनफ्से नफी तलवार लेकर मैदान में खड़े हुए थे। उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद। यानी जिस तरीके से बात दुश्मन को समझ आई उस तरीके से उसको वो बात समझाई और मेरे और आपके अल्लाह ने मदद भी फरमाई। अब जरा सुनते चले जाएं, जब दुश्मन ने देखा कि ये हमारे मुकाबले के लिए हर तरीके से तैयार हो रहा है लिहाजा अब तरीका दूसरा इख्तियार किया जाए, वो तरीका क्या है? ब्रिटेनिया की सरजमीन पर एक वफद बुलाया जाता है, वहां पर मशवरा होता है और मशवरे के अंदर क्या मालूम किया जा रहा है? ए लोगों बतलाओ, हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर एक
तहरीक कसर कुचलते हैं तो दूसरी तहरीक जन्म ले लेती है। वजह क्या है? एक तहरीक को हम मलिया मेट करते हैं, दूसरी तहरीक अपना सर उठा लेती है। वजह क्या है? जरा सुनो वजह क्या बतलाई। हाँ अंग्रेज सुन ले, जब तक उस जमीन पर कुरान और कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले उस जमीन पर मौजूद हैं तो कामयाब नहीं हो सकता। उलमा मौजूद हैं तो कामयाब नहीं हो सकता। जब तक उनके दिलों में अपने मुल्क पर मर मिटने का जज्बा अगर उनके दिलों में मौजूद है तो कामयाब नहीं हो सकता। फिर दुनिया ने देखा कि कुरान के नुस्खे जला दिए गए, फिर दुनिया ने देखा कुरान के नुस्खे डिबो दिए गए, लेकिन उस बेअकल को क्या पता था कि ये कुरान इनके कागजों पर इतना महफूज नहीं जितना इन मासूमों के दिलों में महफूज है, जितना इनके सीनों में महफूज है। अभी एक बच्चा कुरान पढ़ने लगे अगर उससे गलती हो जाए तो दूसरा बेकरार हो जाता है। अरे तूने लफ्जी गलती की है, सबर की जगह जेर पड़ा है, लिहाजा इस आयत को सही कर ले, ये आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन कुरान के नुस्खे गर्क किए गए, कुरान के नुस्खे जलाए गए, रब्बे काबा की कसम उलमा के सरों को उड़ाया गया, रब्बे काबा की कसम उलमा के सरों को हाँ तख्ते दार पर लटका दिया गया। मुख्तसर वक्त है, उलमा के हाँ पूरे पूरे बदनों को खिंजीरों की खालों में लपेट कर जला दिया गया, अंगारों पर उनको कबाब की तरह भून दिया गया, तोप के दहानों पर रख करके उनको पूरी दुनिया में फिजा की तरफ उड़ा दिया गया। लेकिन रब्बे काबा की कसम मैं आगे चल करके ये गुफ्तगू करने लगो कि ये उलमा और ये उलमाए देवबंद और ये दारुलूम के जियाले, ये हाफिज़े कुरान, ये आलिम दीन, एक गुफ्तगू कहता चलूं कि एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह के नेक बंदे एक वक्त में अपने दीन को बचा करके ले गए, अपने कौम को बचा करके ले गए और मुल्क से मोहब्बत का ढोंग रचने वालों सुनो, उसी वक्त में उलमा अपने मुल्क को भी बचा करके ले गए। उलमाए देवबंद, हमारा मुल्क हिंदुस्तान, उलमाए देवबंद, मुफ्ती खालिद कासमी। उसी वक्त में ये अल्लाह के नेक बंदे अपने मुल्क को भी बचा करके ले गए और आज यही वजह है कि मैं और आप आजादी के साथ बैठे हुए हैं। ये इन्हीं कुरान के पढ़ने पढ़ाने वालों का कमाल है, ये इन्हीं उलमाए दीन का कमाल है, ये इन्हीं मासूम हफाज का कमाल है। लिहाजा एक बात और आगे अपनी जिम्मेदारी के तौर पर और उलमा की ताईद लेते हुए एक जुमला और कहता चलो, अगर दोबारा रब्बे काबा की कसम दीन पर आंच आई या कौम पर आंच आई या इस मुल्क पर आंच आई तो उलमा फिर सर से कफन बांधने को तैयार है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसलिए मेरे भाई मैं और आप, क्यों बात दूसरी तरफ तेजी के साथ बढ़ रही है लेकिन मैं उस तरफ न जाते हुए मैं एक गुफ्तगू करता चलूं, मैं और आप कुरान की मोहब्बत में यहाँ जमा हैं, मैं और आप कुरान के पढ़ने पढ़ाने वालों को देखने के लिए यहाँ जमा हैं और अपनी नस्लों को देख करके अल्लाह मेरा बेटा हाफिज हो गया, अल्लाह अब इससे बड़ी दौलत क्या होगी? कोई इससे बड़ी दौलत नहीं है। आप जरा तारीख का मुताला कीजिए, मैं और आप अभी दुनिया की रानाइयों में खोए हुए हैं। याद रखना यही उलमा मुझे और आपको डूबते हुए को बचाने वाले हैं। लोग आएंगे, वादा करके जाएंगे और धोखा देकर के मुस्कुराएंगे, लेकिन ये उलमा की जमात और ये कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले, ये कुरान से अपना ताल्लुक रखने वाले जो वादा करेंगे पूरा करेंगे। और याद रखना जब कोई परेशानी आएगी ये सर से कपन बांध करके खड़े रहेंगे। आप इन्हें मौका तो दीजिए, आप इनको कहें तो सही, अरे तुम मिंबरों और मेहराबों से निकलो, आओ सियासत में आओ, आओ सियासत के मैदानों में आओ, अरे आते क्यों नहीं, आओ इन दुश्मनों का मुकाबला करो। फिर देखो अगर मैं और आप अपने उलमा को और अपने अइम्मा को जिनको मैं और आप अपना नौकर समझते हैं, ये सिर्फ मैं और आप नमाज पढ़ाने वाला और तनख्वाह देने वाला उसको समझते हैं, आप जरा इजाजत तो दो। ए उलमा की जमात, आपने सिर्फ इमामत तो हिफ्ज के जमाने में सीख ली थी लेकिन आप तो साथ
आठ साल लगा करके आए, आप हिदायत पढ़ करके आए, उस पर अमल करके कब दिखाओगे? आप अल्लाह के दीन को हाँ मजबूत तरीके से अपने सीनों के अंदर, हाँ अपने सीनों के अंदर बेवस्त करके आए हो, उस पर कब अमल करके दिखाओगे? हाँ ये इनकी कमी नहीं, ये मेरी और आपकी कमी है। मैंने और आपको इनको पाबंद बनाया है, सिर्फ नमाज के वक्त को देखते हैं, सिर्फ जुमे के खुतबे को देखते हैं। आओ इनको तुम इनकी परवाजों को जरा खोलो, इंशाल्लाह यही सियासत के मैदानों में नजर आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन मैंने और आपने इनको पाबंद कर दिया है, मैंने और आपने इनको सिर्फ अपना नौकर और गुलाम समझ लिया है, नौकरी देते हैं और वक्त की पाबंदी चाहते हैं। ना मेरे भाई, जरा इनकी परवाजों को खोलो, इंशाअल्लाह यही मेरे और आपके हुक्मरान बनकर हजरत उमर की याद ताजा ना कर दे तो याद रखना इसकी याद ताजा ना कर दे, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की याद ताजा न कर दे इंशाअल्लाह। जरा मैं और आप इनके सरों से पाबंदियां तो हटाएं, मैं और आप इनको जरा खुलकर के बोलने का और खुलकर के मेहनत करने का मौका तो दें। खैर बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको ये मौका दिखाया कि आज साथ साथ हाफिज़े कुरान मेरे और आपके गाँव के अंदर पैदा हुए हैं। दुआ करें अल्लाह जितने यहाँ बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, अल्लाह एक एक हाफिज सबको अता कर देना, आमीन। एक एक हाफिज अल्लाह सबको अता कर देना, क्योंकि मेरे भाई ये बड़ी ईमानदारी की चीज है, ये दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी नेमत है। और मेरे अल्लाह ने, ओ लोगों तुम क्या समझते हो इनकी तनख्वाहें बड़ी कम हैं? अरे तुम समझते हो कि इनके गुजारे नहीं होते? खुदा की कसम करोड़पतियों से अच्छे इनके गुजारे होते हैं, क्योंकि मेरा और आपका अल्लाह और उसका महबूब वादा कर चुका है, लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरान, के जिसके पास कुरान आ गया। तर्जमा तो इस तरह करेंगे कि कुरान के होते हुए जो अपने आप को मालदार न समझे वो हम में से नहीं। इशारा ये है कि कुरान जिसके सीने में, जिसके घर में, जिसकी जिंदगी में है, वो सबसे बड़ा मालदार है। बेशक बेशक, वो सबसे बड़ा क्या है? मालदार है। एक गुफ्तगु और करता चलूं, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी जिनका अभी तस्किरा हो रहा है, या किसी ने मंसूब किया हजरत कारी तय्यब साहिब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मैं गुफ्तगु करता चलूं, इनके वालिदे मोहतरम अपने पास बुलाया करते थे और बुला करके कहते थे, और सुनो गांव के लोगों, और सुनो मेरी माए और बहनों, क्या फरमाया करते थे? ऐ कासिम जरा मेरे पास आओ, हाँ अल्लाह ने तुझे आलिम बना दिया है, अल्लाह तुझे इज्जत अता करेगा, अल्लाह तुझे दौलत अता करेगा, अल्लाह तुझे शोहरत अता करेगा। इन जुमलों को सुनकर के मैं भी अपने लोगों को मशवरा देता हूं कि मैं अपने उलमा की ज़बानी अगर ये जुमले सुन रहा हो तो इंशाअल्लाह अगर तुमने अपने बच्चे को आलिम बना दिया और तुम्हारा बच्चा आलिम बन गया तो याद रखना अल्लाह तीन चीजें उसके कदमों के अंदर ला करके डाल देगा। वो तीन चीजें क्या है? अल्लाह उसे इज्जत अता करेगा जो किसी मालदार से मालदार नसीब नहीं होंगे, अल्लाह तुझे शोहरत अता करेगा, अल्लाह तुझे दौलतें भी अता करेगा। ये तीनों चीजें दुनिया के इंसान के पास नहीं मिल सकती। अगर दौलत होगी तो इज्जत की कमी होगी, अगर इज्जत होगी तो शोहरत की कमी होगी, लेकिन अगर तुम्हारा बच्चा आलिम दीन बनता है अल्लाह ये तीनों चीजें उसके कदमों में डालेगा। अल्लाह उसे दौलत अता करेगा, अल्लाह उसे शोहरत अता करेगा, अल्लाह उसे इज्जत अता करेगा कि तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी दाढ़ियां सफेद हो जाएंगी, लेकिन जब तुम अपने पोते अपने बेटे को अपनी तरफ आता हुआ देखोगे तो अपना सरहाना छोड़ करके खड़े हो जाओगे। ए हाफिज़े कुरान, आ तू मेरे सरहाने बैठ जा। हाफिज़े कुरान कहेगा आप मेरे दादा हैं, वो दादा कहेगा दादा अलग चीज है, तू हाफिज़े कुरान है, तेरा मर्तबा बड़ा है। बेशक अल्लाहु अकबर माशाल्लाह, तू हाफिज़े कुरान है, तेरा मर्तबा बड़ा है। ये इज्जत क्यों मिली? इस कुरान और इस इल्म की बरकत से। तो इसलिए मैं अपने लोगों को कहता हूं जो समझते हैं कि हम गरीब हो जाएंगे,
जो समझते मेरे बच्चे की तरक्की रुक जाएगी, जो समझते मेरा बच्चा इस दुनिया के अंदर कैसे आगे बढ़ेगा, और सुन लेना, और सुन लेना इस गांव के लोगों, रब्बे काबा की कसम, ये तीन चीजें मैं कुरान और हदीस से नहीं, मैं सिर्फ अपने उलमा की जूतियां सीधी करके आपको कह रहा हूं। हाँ, लोग तुम पर हसद करेंगे जब अल्लाह दौलतें तुम्हारे कदमों के अंदर ला करके डालेगा, लेकिन शर्त यह होगी कि इल्म हासिल करना और उस इल्म पर अमल करना, और उस इल्म पर अमल के साथ साथ इस दुनिया से रुखसत हो जाना। क्या कहते थे हमारे बुजुर्ग, अल्लाह तीन चीजें जरूर अता करेगा, अल्लाह तुझे दौलतें अता करेगा, अल्लाह तुझे इज्जतें अता करेगा, अल्लाह तुझे शोहरतें अता करेगा। ये तीनों चीजें एक आलिम के कदमों में बयक वक्त पड़ी रहती हैं, दुनिया के किसी इंसान के पास नहीं, दुनिया के किसी मालदार के पास नहीं, लेकिन एक आलिम के पास ये तीनों चीजें मौजूद रहती हैं। उलमाए देवबंद, मदारिस इस्लामिया, अजमत कुरान। मेरे आका ने वैसे ही नहीं कहा, लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरान। कुरान के होते हुए जो अपने आप को गनी न समझे, अपने आप को मालदार न समझे, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उससे कह दो वो हमारी जमात से नहीं है, वो हमारी जमात से नहीं है। इसलिए मौलाना कासिम नानोतवी को उनके वालिदे मोहतरम बुलाया करते थे, और सुनो अल्लाह के नेक बंदो क्या फरमाया करते थे, ए कासिम अल्लाह तुझे तीन चीजें जरूर अता करेगा, अल्लाह तुझे शोहरतें अता करेगा, अल्लाह तुझे दौलतें अता करेगा, अल्लाह तुझे इज्जतें जरूर अता करेगा, लेकिन बेटे कासिम ये तीनों चीजें मेरे किसी काम की नहीं है, मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, ये तेरी इज्जत, तेरी शोहरत, तेरी दौलत मेरे किसी काम की नहीं है। अबू आपके काम की क्या चीज है? बेटे कासिम मैंने तुझे हाफिज बनाया है, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो एक पारा मेरे नाम का पढ़ दिया करना। अल्लाह क्या फरमाते थे, एक पारा मेरे नाम का पढ़ दिया करना। क्या ये दौलत मैंने और आपने तैयार की है? अगर नहीं की है तो इरादा कर ले के इंशाल्लाह अपनी औलाद को हाफिज जरूर बनाऊंगा, अपनी औलाद को इंशाल्लाह आलिम बनाऊंगा। दुनिया का कोई मसला नहीं है, मसला तो असल आखिरत का मसला है, मसला तो असल अल्लाह के सामने जाने का मसला है। इसलिए मेरे भाई, मैं और आप इसी कुरान मुकद्दस की बरकत से जमा हुए, दुआ करें अल्लाह इस मदरसे को और इस मदरसे के मुंतजिमीन और मुहतमीन को अल्लाह खूब दीनियात से और तरक्कियात से नवाजे, दीन दोनी चराज चौगनी तरक्की अता करे। लेकिन अगर मैं और आप चाहते हैं अल्लाह सात की जगह 700 हाफिज़े कुरान दे दे, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, लेकिन मुझे और आपको अपने इरादे और अपने अपने हौसले बुलंद करने पड़ेंगे। वो इरादे और हौसले क्या है? जो अब तक हम तआवुन करते हैं उस तआवुन के अंदर इजाफे इसलिए करें, अल्लाह मेरी औलादों के अंदर हाफिज दे देना, अल्लाह मेरी नस्लों के अंदर हाफिज दे देना, इंशाअल्लाह ये इरादे अल्लाह आपके कबूल करेगा। लेकिन शर्त ये है कि थोड़ा जज्बा और थोड़ा हौसला इंशाअल्लाह मुझे और आपको बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाएंगे ना भाई इंशाअल्लाह। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सदकाए जारिया की नीयत से शेयर भी कर दें।